सिविल लाइन में पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो अब तैयार हो चुका है, जो 90% बन चुका है, अब कुछ ही दिन में जो है इसकी अब इब्तदाई होगी और ये खुलने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है विजय दर साहब जो इसके मालिक है, जिसने ये सिनेमा जो है बनाया। पहले इस सिनेमा के हवाले से मैं बताया, कैसे आपको ये आइडिया मिला कि मैं ये सिनेमा बनाऊँ, पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो है? ये कह चुका हूँ बड़ी बार कि सिनेमा मेरे खून में था। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर पहले ब्रॉडवे सिनेमा होता था, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। शायद तब आप पैदा नहीं हुए थे या पिक्चर नहीं होता, आपके बुजुर्ग जानते होंगे। सो हम चाहते हैं कि वही रिपीट हो, वही एटमोसफेयर बने और उसी तरीके से लोग फिर से आए और फिर से इंजॉय करें सिनेमा। थोड़ा सा इस सिनेमा के हवाले से हमें बताइए कि कितने ऑडिटोरियम है, क्या सीटिंग कैपेसिटी है, क्या अभी इसमें 3 स्क्रीन हैं और टोटल कैपेसिटी है 520 सीट्स और अलग अलग सीटें हैं अलग अलग ऑडिटोरियम। और इसमें अब एक ऑडिटोरियम है जिसमें 3D भी दिखाया जाएगा और आइनॉक्स ने कहा है जब 5D शुरू होगा तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। एक और टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, कोशिश कर रहे हैं हम जितनी भी नई टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे हो। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हम एक गेमिंग जोन बना रहे हैं बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, सो दैट आप अपने बच्चे को किसी जगह पे ले सको जहाँ पे वो दिल खोल के किसी बॉल को किक करे या खेले और खुश रहे। उतने में हमारा मकसद जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, किन चीज़ का इस्तेमाल किया गया है और क्या खास कश्मीरी जो यहाँ का जो हमारे रिवाजी तौर पर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर क्या उस हमने कुतुबमंदी यूज़ की है, हमने आइनॉक्स यूज़ किया है और फूड कोर्ट में भी हम कोशिश करेंगे कि लोकल ही फूड हम इंट्रोड्यूस करें। तुझी तो बड़ा फेमस है यहाँ पर, वाई नॉट हैव तुझी, वाई हैव मैकडोनल्ड्स, सो दैट इतना ही है। जो रिफ्रेशिंग जोन है वो भी यहाँ पर रखा गया है। जी जो नॉर्मल होता है जो आइनॉक्स के तहत है वो पॉपकॉर्न कॉफ़ी वगैरह वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी एक फूड कोर्ट होगा जिस फूड कोर्ट में हम ट्राई करेंगे प्रमोट करना लोकल, जितना भी हमारे लोकल बहुत है। कश्मीर एक अपना ब्रांड है, आई थिंक इट्स टाइम दैट वी डेवलप्ड कश्मीर ब्रांड। कैसे आप देखते हैं कि जब 90 के दहाइयों में यहाँ पर सिनेमाघर बंद हुए थे और उसके बाद अब 32 साल गुजर चुके हैं और अब ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनेगा, कैसे आप इसको देखते हैं? मैं तो बड़े पॉजिटिवली देख रहा हूँ, मुझे यकीन है क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स जब यहाँ से जम्मू देख सकते हैं अच्छी पिक्चर तो यहाँ क्यों नहीं देख सकते, अच्छे हॉल में देख सकते हैं यहाँ क्यों नहीं देख सकते। मकसद उतना ही कि जो फैसिलिटी मेरे यंगस्टर्स को या बड़ों को मिलती है यहाँ से, जब हम जाते हैं जम्मू जाते हैं तो पहले कहते हैं यार कौन सी पिक्चर, आप भी जाते होंगे पहले पूछते होंगे कौन सी पिक्चर लगी है, अच्छा चलो पहले ये स्मॉल में जाते हैं पिक्चर देखते हैं। कोशिश करेंगे हम उससे बेटर फैसिलिटी यहाँ दें। वो दौर याद दिलाएगा हमें कि जो 80 का दर्शक था जब यहाँ पर लोग फिल्में देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक सिनेमा था, क्या वो यादें अब ताज़ा होगी एक बार फिर? आई होप सो। उन दिनों हम 7 बजे का शो जो है वो दिखाते थे इंग्लिश पिक्चर, तो एक सोशल गैदरिंग होती थी, सब अच्छे कपड़े पहन के एक दूसरे को मिलते थे और फिर खाना शाना खाते थे वापस जाते थे खुश होकर, वही हम चाहते हैं दोबारा। क्या कुछ टाइमिंग रखी गई है इसके लिए मुख्तसर, क्योंकि जो हालात है उसको लेकर? हालात पे आप ना जाइए, अगर हालात पे मैं जाऊँ तो फिर तो मैं कुछ ना करूँगा। मतलब जो टाइमिंग, वो टाइमिंग आप आइनॉक्स वाले फिक्स करेंगे, जो टाइमिंग वो फिक्स करेंगे उसी टाइमिंग पे हम चलेंगे, ऐसी बात है। जो गेमिंग जोन है वो भी कंप्लीट है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जाते हैं अब गेमिंग जोन में ज़्यादा, वो उसका अब लिफ्ट लगना है, लिफ्ट लगेगा तो उसके बाद ओपन हो जाएगा। कब ओपनिंग होगी? अभी 2-1 महीने लगेंगे, उसका काफ़ी स्टफ आना। सिनेमा की ओपनिंग इंशाल्लाह होगी अर्ली सितंबर। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे विजय दर साहब जो अर्ली सितंबर में इस सिनेमा को जो है अब आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हो कि पूरा इसमें जो है अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है और 90% जो है काम इसका कंप्लीट हो चुका है और ये यहाँ पर जो है पॉपकॉर्न सेंटर बनाया गया है और जो इसके पीछे है वो सिनेमा के 2 हॉल है, वहाँ पर जो लोग जाएंगे। 520 कैपेसिटी वाला ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो है अब बनने जा रहा है और लोगों को जो है अब एक बार फिर वही यादें ताज़ा होगी जो 80 में हुआ करती थी और 25 साल का जो काफ़ी अरसा हुआ अब जो सिनेमा के बगैर ये कश्मीर था, अब उसको जो है मल्टीप्लेक्स सिनेमा देखने को मिलेगा।